माय गॉड, बंदूक फायर हुई है अभी, रियल गन अभी फायर हुई है। हम लोग जा रहे हैं नासिक काबरा में शॉपिंग करने के लिए। कोरोना जब भी किसी को होता है तो वो गले में 4 दिन तक रहता है, 14 दिन बाद सिम्टम्स निकलने शुरू होते हैं। मतलब 14 दिन तक आपको हो गया तो पता भी नहीं चलेगा कि हो गया। भाई मेरे को तो सुबह से 4-5 छींके आ चुकी हैं और मैं सैनिटाइजर जेब में लिए घूम रहा हूँ। ये देखो, ये रहा सैनिटाइजर, ले लो भैया। देखो बच्चा भी बुला रहे अपनी माँ को, जल्दी आओ, जाएंगे और खर्चा कराएंगे पापा का। मम्मी आ गई, मम्मी चल बैठ, जल्दी बैठ। सीट बेल्ट बांधना हमेशा भूल जाता हूँ क्योंकि अभी ना फोर व्हीलर की लत खत्म होने लगी है, लेकिन अभी ठीक है, बांध लेता हूँ। अगर 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 तू मायके गया तो ये मुझे लगता है माइक आदि पापा पास रहेगा या मामा के पास रहेगा। ससुराल से अगर कोई मुझे देख रहा है तो भैया सुन लो, ये तो पापा का पापा कर रहा है। अगर नहीं रुका तो आदि बोलना, आकाश मामा के पास या पापा के पास? पापा के पास रहेगा। मेरा बाजू, मेरा बाजू। हेलो भाइयों, वेरी वेलकम बैक। अभी भी जस्ट सो के उठा हूँ, घर पे आ गया था बी बच्चों को खुश कराने के बाद। अब बारी आती है मेरी खुश होने की। अभी जस्ट सो के उठा हूँ, सपने में आया, ये मुझसे कह रही है क्या मेरा हक नहीं बनता, क्या तू मुझे भूल गया है? मैं तुझे नहीं भूला हूँ, इसलिए मैं तेरे को अब राइड करूँगा। अरे बाप रे, अरे क्या ये, अरे ये मजाक है, अरे कितना अजीब फील हो रहा है भाई। अरे मैंने सच में रॉयल इनफील्ड के बाद आज पहली किसी बाइक पे बैठा हूँ, वो भी RX 135, 20 से 21 साल पुरानी। क्या है ये, बकरी लग रही है मेरे को इतनी सी, लेजेंड है बॉस। वो उस जमाने की थी, आज के जमाने की बल्क में आ गई। ऑन करते हैं। एक समय पे ऐसा था कि ये छूता था ना मैं करंट लगता था यहाँ पे। बहुत काम कराया बॉस इसका, 20 साल पुरानी है। किसी दिन जिंदगी में पैसा आया ना भाइयों, इसको मैं बनाऊंगा यार। किक मारते हैं, एक काच, आवाज आ रही है, ये लेजेंड की आवाज है यार। मुझे बोलती है सपने में, तू तो भूल गया मुझे, मैं बोला मैं तुझे नहीं भूला पगली, मैं चलाऊंगा तुझे, तू टेंशन क्या ले रही। एक नंबर अजीब फीलिंग आ रही है भाई, कितने कमाल की फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं किस पे बैठा हूँ और जो पिकअप के मामले में जबरदस्त है, भागे जा रही है। अरे अरे अरे, कितना बेस्ट हैंडलिंग है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ऐसी संभाल लूंगा, बस ब्रेक थोड़े मजबूत नहीं है इसके। ठीक है ठीक है, ओके। एक बार इसको मैं शिरडी लेके चला गया था 90 किलोमीटर, जब रिटर्न आ रहा था तो इसका इंजन इतना गर्म हो गया था, पर ये काफ़ी पुरानी हो चुकी थी उस समय तक। ए भाई 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 भाई, बंद मत, बंद बंद मत हो, इसको थोड़ा ना प्यार से चलाना पड़ेगा। अरे इसको थोड़ा प्यार से चलाना पड़ेगा। अरे कोई मेरी मदद के लिए, अच्छा टैंक बंद है, टैंक बंद है। ये एक्चुअली मेरे पापा के हाथ में रहती है मोस्ट ऑफ। मेरे पापा के उस समय सपना था, नहीं कुछ नहीं लूंगा मैं, सेफ यामा ही लूंगा, यामा हाँ RX 135 ही लूंगा। जैसे मैंने कहा कि RX नहीं, मैं रॉयल इनफील्ड ही लूंगा। एक नंबर, सही है बॉस। 20 साल बाद भी जान देखो भाई, जान देखो जान।
थोड़ा यहाँ कमाल देखते हैं इसका। इसको चलाने का एक अलग ही मजा आता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग में अपने कौन है, बॉडी बिल्डिंग में हम लोग हमेशा एक ही नाम लेते हैं ना, क्या नाम लेते हैं, अर्नोल्ड। ये अर्नोल्ड है अपनी। कभी भी भाई वो जिंदगी में भी अगर कोई आपसे पूछे ना कि बाइकिंग के नाम में सबसे पहली बाइक बताओ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो RX 135 का ही नाम लेना आप लोग। पता है क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी में उन लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, जिसने दुनिया को इंस्पायर किया, जिसने बड़ी बड़ी कंपनीज को इंस्पायर किया कि हम और तगड़ी मशीन बनाएंगे, और तगड़ी मशीन बनाएंगे। आज अर्नोल्ड से ज्यादा तगड़े बॉडी बिल्डर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस बंदे ने इंस्पायर किया दुनिया को। उसने बॉडी बिल्डिंग का नाम ऐसा किया कि लोग बॉडी बिल्डिंग करने पे मजबूर हुए, लोगों को वो चीज पसंद आई। वैसे ही ये गाड़ी है, इसने बाइकिंग के मामले में 20 साल बाद भी देखो ना यार क्या चाहिए। पिकअप देखो, बंदा दूर से देखने लग गया था। इसकी आवाज, इसका साइलेंसर, कंपनी फिटेड आज भी ऐसा है। ये आवाज है ना, खुश कर देती है बॉस, खुश कर देती है। इवन आज भी मेरे को काफी सारे लोग आते हैं अगर मेरे घर पे, तो मेरे को ये बोलते हैं भाई रेट बता रेट। लेकिन नहीं बॉस, 20 साल की यादें हैं इस गाड़ी में। कभी जिंदगी में अगर मेरा कोई गैरेज होगा तो मैं वहां पे इस बाइक को ऐसा डिस्प्ले लगाऊंगा, डिस्प्ले। मुझे ऐसा लगता है भाई, वो जिस बंदे के घर में RX 135 है ना, उस बंदे की फैमिली में और उस बंदे की फैमिली के खून में ही मशीन को लेकर, बाइक को लेकर पहले से ही बहुत सारा प्यार है। क्या पिकअप मार रही है यार, ऑसम। और इसकी आवाज अलग ही है, सबसे अलग आवाज है इसकी मार्केट में। मतलब ये अगर दूर से जाती है ना, वो कोई भी बोल देता है भाई RX जा रही है। ये अभी अपने 5th गियर पे है, इसको बोलते हैं मेंटेन। एक नंबर। ब्रेकिंग देखो भाई, ब्रेकिंग देखो, और भी तेज ब्रेक लगा सकता था लेकिन पीछे गाड़ी आ रही थी। ओ माय गॉड, टूटी डलवा रखा है क्या, आज इंजन ना खुल जाए इसका। इतना धुआं क्यों मार रही है, कुछ ज्यादा धुआं नहीं मार रही है इसके अंदर। यहाँ पे टूटी वाल डलता है, यहाँ पे भी वाल डलता है, ये देखो यहाँ पे ऑयल डलता है। सूखा हुआ है क्या, अरे सूख रहा है यार, यहाँ पे ऑयल डलवाना पड़ेगा। टूटी ऑयल हम लोग इंजन में डायरेक्टली डाल सकते हैं, यहाँ पे टैंक में, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ओह माय गॉड, बंदूक फायर हुई है अभी, रियल गन अभी फायर हुई है। जब बंदूक में से गोली निकलती तो ऐसा धुआं निकलता है, वैसा धुआं इसके साइलेंसर में से निकल रहा है, और कुछ ऑयल भी लीक हो रहा है।
मुझे नहीं भगाना चाहिए भाई, ब्यूटी है बहुत बड़ी, कोई गड़बड़ हो गई ना। वैसे इसकी सर्विसिंग वगैरह इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इंजन में से तकड़ा धुआं आ रहा है, ऑयल भी निकल रहा है। पापा की गाड़ी है यार, प्यार से चलाते हैं भाई, प्यार से ले चल घर पे, नहीं तो बोलेंगे तूने मेरी गाड़ी खराब कर दी। कुछ ज़्यादा ही धुआं निकाल रही है, तो मैंने ज़्यादा तेज़ तो नहीं भगा दी, पापा बोलेंगे मेरी बाइक खराब कर दी तूने। बड़े प्यार से रखते हैं इसको, एक तो निकाल रही है देखो अभी भी। ओके ओके ओके, प्यार से ले चलता हूँ भाइयों, नहीं तो पापा इसी पे चलते हैं हमेशा। आज भी अपने एयरफोर्स के करियर की मेरे ख्याल से शुरुआती दिनों में ये पहली बाइक ली थी पापा ने, और इस पे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली उन्होंने। तो ज़्यादा तोड़ूंगा नहीं इसको, ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, अभी मैंने ज़्यादा भगाई तो मेरे को साइलेंसर में से ज़्यादा धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक ऑयल भी लीक हो रहा है। पापा का फ़ोन आ रहा है, चुपचाप ले चलता हूँ मैं, बिना पूछे लेके आ गया, कहीं जाना होगा उनको और कुछ गड़बड़ ना हो जाए गाड़ी में। अरे यार वो मान गए कि नहीं मान गए भाई, मेरे को ना कभी कभी इसको चलाने का भगाने का बहुत दिल करता है, पर ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है, और ये घर में फैमिली मेंबर मतलब मेरे पापा अभी भी इसको चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा भगाता नहीं हूँ। आज मैंने जोश जोश में भगा दिया, इंजन में से थोड़ी सी स्मेल आने लगती है और साइलेंसर में से धुआं ज़्यादा निकलने लगता है, यहाँ पे टूटी डलवाता हूँ मैं। तो भाइयों नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं, और कल के वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा एक नए मूड के साथ, एक फ्रेश मूड के साथ। आज वैसे भी थोड़ा बहुत खर्चा हो ही गया है, मेरी सांस फूल रही है, अभी राइड करके आ रहा हूँ, काफ़ी देर राइड की मैंने, काफ़ी देर इतनी भयानक तरीके से मैंने गाड़ी को RX 135 को खींचा कि पीछे से बहुत तेज तेज धुआं निकलने लगा और ऑयल भी गिरने लगा। इवन अभी भी घर पे लगाइए तो नीचे ऑयल गिर रहा है। तो 20 साल पुरानी गाड़ी है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसको ज़्यादा भगाऊँ नहीं और ज़्यादा मैं उसको रश ना करूँ, हार्ड ना खींचूँ मैं उसको, लेकिन फिर भी कभी कभी मन कर जाता है भाई। इतनी प्यारी गाड़ी जो है, बैठते में तो इतना हैरान हो गया ना, क्योंकि मैं इतने दिनों से रॉयल इनफील्ड पे बैठ रहा हूँ, अचानक मैं उस पे बैठा तो मैं हैरान हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है। कभी भी आप लोग कभी भी ऐसा करोगे, समझो ऐसा 3 महीने 4 महीने आप रॉयल इनफील्ड पे ही हो और अचानक आप किसी और बाइक पे बैठते हो, तो आप हैरान हो जाओगे भाई ये क्या सिस्टम है। वैसे ही आज मेरे साथ हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलता हूँ जल्दी कल के ब्लॉग में, बाय बाय।